Dear students, good morning all of you. In previous class we have seen chapter 5th, natural vegetation and wildlife. Natural vegetations mein humne previous class mein relief padha, climate padha, types of vegetations hamara chal raha hai, usme humne ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट पढ़ा. ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट को भी हम टू पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट. थर्ड हमने जो फॉरेस्ट पढ़े थे, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, and then we have read mountain forest. इस क्लास में हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा वाइल्ड लाइफ देखेंगे एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए हैं उन स्टेप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारा जो फॉरेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं. मैंग्रोव फॉरेस्ट, द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स. ये जो वेजिटेशंस है ये तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां पर टाइडल वेव्स आती है उन क्षेत्रों की ये सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है. मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट. मड मिट्टी और सिल्ट रेत इन तटों पर एकत्रित हो जाती है. जो मड है और सिल्ट जो है वो इन कोस्ट के ऊपर एक्यूमुलेटेड हो जाती है. डेंज मैंग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर. डेंज मैंग्रोव एक प्रकार की वेजिटेशंस है जिसमें पौधों की जड़ें जो होती है वो वाटर के अंदर सबमर्ज जो होती है, पानी के अंदर डूबी हुई होती है. तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो रूट्स होती है वो वाटर के अंदर सबमर्ज होती है. द डेल्टाज ऑफ द गंगा, द महानंदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाई सच वेजिटेशन. गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के जो डेल्टाज रीजन है उनमें इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड. और जो सुंदरी ट्रीज है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं. विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, जो मजबूत लकड़ी हमको देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं. प्लेन कोकोनट, कियोरा, अगर एक्सेट्रा आल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा. इसके अलावा नारियल, क्योड़ा और एगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं. रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो फेमस एनिमल्स पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर वो एक प्रसिद्ध जानवर है और इन फॉरेस्ट में पाया जाता है. टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, गरियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. इसके अलावा क्रोकोटाइल्स, टर्टल्स, गरियल्स, स्नेक्स,
ये भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो फिगर 5.7 मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो फिगर बता रखा है, इस प्रकार जो रूट्स होती है वो पानी के अंदर सबमर्ज होती है, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा द डिफरेंट स्पेसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। जो डिफरेंट स्पेसीज के जो डियर है और अदर एनिमल्स है वो भी पाए जाते हैं। इट आल्सो है सेवरल स्पेसीज ऑफ मंकीज। मंकीज की जो स्पेशल है स्पेसीज है वो भी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणी। अभी तक हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, वेजिटेशंस के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणी। एनिमल्स के बारे में हम देखते हैं। लाइक इट्स फ्लोरा इंडिया इज आल्सो रिच इन इट्स फौना। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की जो प्राणी संपत्ति है, जो फौना है उसमें भी ये रिच है, यानी इसमें भी वो धनी है, समृद्ध है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जो फौना की स्पेसीज है वो पाई जाती है। इट हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पेसीज। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 जातियां मिलती है। द कंट्री हैज अबाउट 2,000 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। देश में 2,000 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। द कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। ये कुल विश्व का 13% है। देयर आर 2,546 स्पेसीज ऑफ फिश। इसके अलावा यहाँ पर मछलियों की 2,546 स्पेसीज है, विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, जो विश्व की लगभग 12% है। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5-8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इसके अलावा भारत में विश्व के 5-8% तक एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स मैमल्स जानवर पाए जाते हैं। द एलिफेंट आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो स्तनधारी जानवर है उनमें हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एलिफेंट जो है वो मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल्स है। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम कर्नाटका एंड केरला। ये असम कर्नाटक केरल के जो हॉट वेट फॉरेस्ट है वहां पर पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसीरोस आर द अदर एनिमल्स। इसके अलावा एक सिंग वाले जो राइनोसीरोस है वो अन्य जानवर है। विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल और असम के जो स्वैम्पी मार्सी लैंड्स है, जो दलदली क्षेत्र है उनमें ये पाए जाते हैं। एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेट फॉर द वाइल्ड एस एंड कैमल्स रेस्पेक्टिवली। इसके अलावा कच्छ के रन में मरुस्थल में जो है जंगली गधे ऊंट पाए जाते हैं। जो एरिड एरियाज है ऑफ द कच्छ ऑफ रंस उसमें वाइल्ड एस मिलेगा आपको। एंड इसके अलावा डेजर्ट जो थार्ड डेजर्ट है उसमें आपको कैमल्स जो है वो मिलेंगे, पाए जाते हैं। इंडियन बाइसन, नीलगाय, ब्लू वुल, चौसिंगा फॉर ऑन्ड एंटीलॉप, गजेल एंड डिफरेंट स्पेसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इसके अलावा भारतीय बाइसन, जिसको हम भैंस या भैंसा बोलते हैं, भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा और इसके अलावा जो छोटे जो मृग है, विभिन्न जातियों वाले जो डियर्स है, हिरण है, वो भी भारत में पाए जाते हैं। इट आल्सो है सेवरल स्पेसीज ऑफ मंकीज।
और इसके अलावा बंदरों की अनेक प्रजातियां भी हमारे इंडिया में पाई जाती है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बॉट टाइगर्स एंड लायंस। इसके अलावा भारत विश्व का अकेला देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। टाइगर्स एंड लायंस बोथ आर फाउंड इन इंडिया। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। भारतीय जो लायन है, इंडियन जो लायन है, उनका नेचुरल हैबिटेट गुजरात में गिर फॉरेस्ट है। गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है वो इंडियन लायन का नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन्स। बाघ, टाइगर्स जो है वो मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों में और पश्चिम बंगाल के सुंदरबनों में, इसके अलावा हिमालय रीजन्स है उनमें ये पाए जाते हैं। लियोपार्ड्स टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। इसके अलावा लियोपार्ड्स बिल्ली जाति के सदस्यों में लियोपार्ड्स भी है जो कैट फैमिली है, कैट फैमिली का मेंबर है लियोपार्ड। तेंदुआ जिसको हम कहते हैं तेंदुआ, लियोपार्ड्स ये कैट फैमिली का मेंबर्स है, ये भी पाए जाते हैं। दे आर इंपोर्टेंट अमंग एनिमल ऑफ प्रे, ये शिकारी जानवरों में मुख्य है, जो शिकार करते हैं उनमें ये एनिमल्स जो है मुख्य है। द हिमालयन हर्बर ए हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर जो होते हैं वो हार्डी रेंज के होते हैं। हार्डी रेंज का मतलब ये है कि ये कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, जो एक्सट्रीम कोल्ड पाई जाती है यहाँ पर, अत्यधिक ठंड होती है, उसको सहन करने वाले ये जानवर होते हैं। लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड्स आर होम टू याक। इसके अलावा लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। द सेगी हॉर्न वाइल्ड डॉग्स विनिंग अराउंड 1 टन। और इसके अलावा जो याक है और गुच्छेदार सिंगों वाला जो बैल है, इस प्रकार के जीव है जिनका भार जो होता है वो टन के बराबर होता है, अराउंड 1 टन। इनका जो वेट होता है, इनका जो वजन होता है वो लगभग 1 टन के लगभग होता है। द तिब्बतियन एंटीलोप, तिब्बतीय बारासिंगा। द भरल ब्लू शीप, भरल कहते हैं नीली भेड़ को। वाइल्ड शीप जंगली भेड़ एंड द कियांग तिब्बतियन वाइल्ड आस, और कियांग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। फर्दर मोर द आईबेक्स बियर स्नो लियोपार्ड एंड रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स। इसके अलावा कहीं कहीं पर लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। इन द रिवर्स लेक्स एंड कोस्टल एरियाज टर्टल्स क्रोकोडाइल्स गरियाल्स आर फाउंड। नदियों, झीलों और जो कोस्टल एरियाज है, जो समुद्री क्षेत्र है, वहाँ पर कछुए, मगरमच्छ और गरियाल भी पाए जाते हैं। द लेटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। गड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो विश्व के केवल भारत, विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। जो गड़ियाल है वो क्रोकोडाइल की वैरायटी का रिप्रेजेंटेटिव है और वो केवल हमारे भारत में पाया जाता है। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। पीकॉक्स, फिजेंट्स, डैक्स, पैराकेट्स, क्रेंस एंड पिजन्स आर सम ऑफ द बर्ड्स इनहैबिटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री।
बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं जिनमें मोर, बतख है, तोता, मैना, सारस, कबूतर, इसके अलावा कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों में और आर्द्र क्षेत्रों में रहती है, वेटलैंड्स में रहती है, कंट्री के जो वेटलैंड्स है, जो फॉरेस्ट है वहां पर वो इनहेबिटेटिंग करती है। वी हैव सेलेक्टेड ओवर क्रॉप्स फ्रॉम ए बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट। हम अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनते हैं, यानी फ्रॉम द रिवर्स ऑफ एडिबल प्लांट्स, यानी खाने योग्य पौधों के जो नीचे है, रिजर्व है, द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स, जो रिजर्व है एडिबल प्लांट्स के, खाने योग्य जो पौधे हैं उनसे हम हमारी जो क्रॉप्स है उसको सेलेक्ट करते हैं। वी आल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मेनी मेडिसिनल प्लांट्स। इसके अलावा हमने बहुत से जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनका प्रयोग करके उनका चुनाव किया है, एक्सपेरिमेंट करके उनको हमने सेलेक्ट किया है जो मेनी मेडिसिनल प्लांट्स है। द एनिमल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्च एनिमल, और दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। दे आल्सो प्रोवाइडेड अस ड्रॉट पावर, ये हमको क्या देते हैं, द एनिमल्स वर्स दे आल्सो प्रोवाइडेड अस ड्रॉट पावर ट्रांसपोर्टेशन मीट एंड एग्स। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य में यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं, और इनसे हमको मीट प्राप्त होता है, अंडे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा द फिशेस प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड, मछलियाँ हमें पौष्टिक आहार देती है, मछलियों से पौष्टिक आहार मिलता है, न्यूट्रिटिव फूड जो है हमको फिश प्रोवाइड करवाती है। मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, और जो बहुत सारे इंसेक्ट्स है वो क्रॉप्स के पॉलिनेशंस में हेल्प करते हैं। एंड फ्रूट ट्रीज, जो फ्रूट ट्रीज है उनमें भी पॉलिनेशन होता है। एंड एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स इज हार्मफुल। इसके अलावा हानिकारक कीड़ों के ऊपर जो है ये कंट्रोल करते हैं, जो हार्मफुल जो इंसेक्ट्स है उनके ऊपर भी ये कंट्रोल करते हैं। एवरी स्पेसीज हैज अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में जो है रोल है, योगदान है, हेंस इस प्रकार कंजर्वेशन इज इसेंशियल। इस प्रकार उनका जो कंजर्वेशन है वो इसेंशियल है, उनका संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। एज हैज बीन मेंशनड अर्लियर, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेस बाई ह्यूमन बींग्स, इसलिए जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा प्लांट्स और एनिमल्स के अत्यधिक उपयोग के कारण इकोसिस्टम्स जो है वो इनबैलेंस हो गया है। द इकोसिस्टम हैज बीन डिस्टर्ब, अबाउट 1,300 प्लांट स्पेसीज आर एंडेंजर्ड, लगभग 1,300 पादप प्रजातियां जो है वो संकट में हैं। एंड 20 स्पेसीज आर एक्सटिंक्ट, और इसके अलावा 20 प्रजातियां जो है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पेसीज आर ऑल्सो एंडेंजर्ड, काफी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं, और सम हैव बीन बिकम एक्सटिंक्ट, और कुछ जो जीव प्रजातियां है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। द मेन कॉजेज ऑफ दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस, तो इसका रीजंस क्या है, इकोसिस्टम के असंतुलन का मुख्य कारण जो है वो लालची व्यापारी है। लालची व्यापारियों का अपने बिजनेस के लिए अत्यधिक इनका शिकार करना है। जो ग्रीडी हंटर्स है उनका जो कमर्शियल पर्पस है उसके कारण जो है इनका हंटिंग होता है, हंटिंग के कारण जो है ये एक्सटिंक्ट
और एंडेंजर्ड अवस्था में पहुंच चुके हैं। पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एलाइन स्पेसिस एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस। इसके अलावा दूसरे भी कारण है, अन्य रीजन्स है जिनमें पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट के कारण भी जो है पॉल्यूशन होता है, एसिड डिपॉजिट्स के कारण, इंट्रोडक्शन ऑफ एलाइन स्पेसीज, इसके कारण जो है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, इसके अलावा निवास के लिए वनों की कटाई करना, टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन, तो ये जो रीजंस है आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस। ये भी पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के रीजंस है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री के जो फ्लोरा और फोना है उसके प्रोटेक्ट के लिए द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप्स, गवर्नमेंट के द्वारा मैनी स्टेप्स उठाए गए हैं, उनमें प्रमुख है फर्स्ट 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना के प्रोटेक्ट के लिए कंट्री में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो सेटअप किए गए हैं। 10 आउट ऑफ दीज द सुंदरबन, नंदा देवी, द गफ ऑफ मनार, द नीलगिरी, नोक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंच मरही एंड अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो कुल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो सेटअप किए गए हैं। इनमें से जो चार जो है वो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, एक का नाम है नंदा देवी उत्तराखंड में है, और मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है, इसके अलावा नीलगिरी केरल कर्नाटक तमिलनाडु की, इनकी गणना जो है अजीव मंडल के अंतर्गत की गई है। सेकंड जो स्टेप उठाया गया है वो है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइड टू मैनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992 से सरकार के द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना भी बनाई गई है, जिसमें आपके कच्छ है, कोल्ड डेजर्ट है, सेसाचलम है, पन्ना है, इस प्रकार के बायो रिजर्व्स है, उनको टेक्निकल हेल्प दी गई है। थर्ड जो स्टेप उठाया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में उठाया गया है, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनमें शेर संरक्षण है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट राइनो गेंडा संरक्षण है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके अलावा मेनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है बैलेंस बनाए रखने के लिए। फोर्थ जो स्टेप उठाया गया है 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज को जो है टेक केयर करने के लिए 103 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, 535 जो है वो आपके वन्य प्राणी अभयारण्य बनाए गए हैं, इसके अलावा सेंचुरीज बनाई गई है, जूलॉजिकल गार्डन्स बनाए गए हैं इको सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज, हम सभी को जो है समझना चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ऑन सर्वाइवल। हम सभी को अपनी सर्वाइवल के लिए
अति जीविता के लिए जो इकोसिस्टम है उसके महत्व को समझना चाहिए. इट इज पॉसिबल इफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड. ये तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविनाश तत्काल समाप्त कर देना होगा. जो डिस्ट्रक्शन है नेचुरल एनवायरनमेंट का उसको इमीडिएट एंड करना पड़ेगा, तभी हम जो है ये समझ पाएंगे, हम इकोसिस्टम को समझ पाएंगे. तो इस प्रकार जो है हमारा चैप्टर जो है यहीं एंड होता है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ में, एक न्यू टॉपिक के साथ में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.